Dear students, in earlier classes we have discussed about the second law of Faraday, and we have discussed about Lenz's law, we have discussed about magnetic flux. From Faraday's second law, we came to know that whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil or any conductor, an induced current is produced. Then in Lenz's law, we came to know that he actually gave the direction of induced current, and he said in his experiment that how it is going to be clockwise and anti-clockwise. Alright, so now today's topic is about motional EMF. What is motional EMF? Dear students, as you already may know, that whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil or any conductor, then an induced current is produced. Actually, an EMF is produced first in any coil. Then the current flow in any conductor depends upon how much EMF is being produced. And then the magnitude of EMF was given by Faraday's second law, right? Which we call Faraday's second law. So today we are going to discuss about EMF. So dear students, from second law of Faraday, we came to know a formula that is E equal to minus d phi upon dt. So what is this d phi? This d phi is just magnetic flux, right? This change in magnetic flux in time. That is dt. This negative sign shows, I have earlier classes said about this negative sign. This negative sign shows that the EMF is opposing the change in magnetic flux. That is why this negative sign is here. Okay, so हमें ये अब पता चला कि सब ठीक है. Faraday law से हमें induced current की पता चला कि एक conductor में induced current create कर सकते हैं with the help of magnetic field. Then we came to know Lenz's law, जिन्होंने direction दी induced current की और induced EMF की. उन्होंने बताया कि कब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है करंट की इन हिज ओन एक्सपेरिमेंट. और मैग्नेटिक फ्लक्स से हमें और सारी चीजें सामने आ चुकी है कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट के साथ चेंज होगा उस रेट के साथ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसी रेट के साथ करंट प्रोड्यूस होगी किसी भी कॉइल के अंदर, किसी भी सर्किट के अंदर. नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स. हम जानते हैं फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन टू नो दैट दिस डी फाई यानी फ्लक्स जो है, चेंज इन फ्लक्स जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, राइट? कौन किस एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे? उस एरिया की बात कर रहे हैं जिसपे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, राइट? ओके, अपॉन डी टी. तो यहां हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टडी दिस इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ईएमएफ है या ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, जब इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगी तब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा किसी कॉइल के अंदर, देन a current can be induced, right? Okay. Now the question is कि ये जो हमने पढ़ा magnitude of EMF in second law of Faraday's. Now the question is ये EMF किन चीजों पे depend करता है? ये EMF किन चीजों पे depend करता है? Okay. So now the question is how many methods are there to change magnetic flux, right? ये जो मेथड से पहले हम इस चीज के बारे में पता करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन चीजों से चेंज होता है, राइट? ये होता है चेंज किन की चीज, किन चीजों से? क्वांटिटी पे, राइट?
कौन कौन सी क्वांटिटी है? द वन इज एंगल यानी कॉस थीटा, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकेंड थिंग बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, एंड द थर्ड किस चीज पे डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स? थर्ड ये डिपेंड करेगा ए पे यानी एरिया पे, ठीक है? द फर्स्ट वन इट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, किस किस की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा डियर स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन मैग्नेटिक फील्ड पे सर, ओके फाइन, एरिया पे, ओके फाइन, देन अनदर एंड थीटा पे डिपेंड करता है, राइट? तो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम जो गो, गो, तीन चीजों पे ये चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज, ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय थ्री मेथड्स, सो ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, by changing flux, okay? तो ये किन method से हम इसको change कर सकते हैं? Now the question is, जो EMF produced होता है किससे? Change in magnetic flux करने से, तो वो किन methods पे depend करता है dear students? The first one, पहली चीज जो है, when we are going to change मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट मीन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. द सेकेंड वन चेंजिंग एरिया, एंड द थर्ड वन इज चेंजिंग एंगल, एंड द थर्ड वन इज चेंजिंग थीटा यानी एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो देयर आर थ्री मेथड्स. So dear students, magnetic flux can be changed by three methods. This magnetic flux can be changed by three methods. The first one is changing magnetic field, then second changing area, then third changing theta. हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कैसे इस पे ये methods कैसे उपयोग में लाएंगे dear students, how we are going to use it. So we are going to discuss one by one. सो आई होप कि टिल नाउ आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि ईएमएफ कौन सी चीज है, ये सोर्स के अंदर होती है, और ये जो ईएमएफ है ये किस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पे. और ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसकी डायरेक्शन किसने दी थी? लेंज ने, ओके. देन अ करंट कैन बी क्रिएटेड, राइट, इन ए कॉइल और इन एनी कंडक्टर, ये किसने बताया था? फैराडे ने, राइट. और फिर इस कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो किसने करा था, वो किसने दिया था? लेंज ले. अब हम एक एक करके बात करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये जो हम चेंज करते हैं, किन मेथड्स पे डिपेंड करता है? तीन मेथड्स पे डिपेंड करता है. पहला चेंजिंग बी हम पढ़ेंगे, इसके बाद चेंजिंग एरिया पे बात करेंगे, ओके. तो अब हम बात करेंगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. जो पहला है, ये पहला मेथड है जिसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज लिंक्ड इन ए कॉइल और इन ए कंडक्टर. द फर्स्ट मेथड इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डियर स्टूडेंट्स. सेकेंड सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने एक फॉर्मूला देखी थी, दैट इज जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके बराबर है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी मैग्नेटिक फील्ड द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया कॉस थीटा. ये हमने पढ़ा था किसके अंदर? ये हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, राइट, ओके. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पहला मेथड है इसके थ्रू अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होगा, राइट? तो मान के चलिए डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अ मैग्नेट बोथ पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हमारे पास एक कॉइल है, ओके, और एक कंप्लीट सर्किट है डियर स्टूडेंट्स. और यहां हमने एक सेंसिटिव गल्वानोमीटर फिक्स्ड किया.
आप जानते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, मैं सेंसिटिव इसलिए कहता हूं, अगर एक वीक करंट भी इसमें पास होगी तो इट विल शो डिफ्लेक्शन, एक बहुत ज्यादा वीक अगर इसमें मान के चले अगर 0.1 एम्पियर भी इसमें पास होगी तो इट विल शो द डिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मान के चले एक पोजीशन पे है अभी, बाद में इसको हम मोशन में लेके आएंगे, आप जानते हैं इट विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहां पे इस जो अभी इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया मान के चले इसका नाम हम रखेंगे B1, मान के चलिए B1 है राइट। लेकिन मुझे अभी बताइए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के पास ड्यू टू दिस मैग्नेट इज इट वीक और इज इट स्ट्रॉन्ग। यू गॉट इट राइट, जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के अंदर वो वीक है, तो हम लिखेंगे जो B1 है वो वीक है अभी। ठीक है, अभी मान के चलिए मैं इस मैग्नेट को थोड़ा पास लेकर आऊंगा, क्लोज लेकर आऊंगा, तो देर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स राइट। तो यहां पे जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग राइट, कहां पे B2 पे। तो मुझे ये बताइए B2 पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग। जो ही हमने पास लेकर आए तो हमने क्या देखा, हमने देखा इस कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस्ड करंट हुई राइट, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन दिस कॉइल और इन दिस कंडक्टर जब जो ही हम चेंज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स राइट। लेकिन जो जो पहली पोजीशन थी यानी B1 जो था वो वीक था, अब B2 जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रॉन्ग है, सो गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन राइट। When there is an induced current, this galvanometer will show the deflection, right? So, here we are changing the magnetic field. क्या फ्लक्स पे कोई असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है, right? एक जगह पे हमने वीक देखा और एक जगह पे हमने स्ट्रॉन्ग देखा, तो इसे क्या पता चला? By changing the magnetic field, तो ये मुझे बताइए कि इस कॉइल के अंदर जो है कि डियर स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस हुआ राइट। चेंज, सो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, इस सोर्स के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा राइट। सो ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। और जब डियर स्टूडेंट्स ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, you already know that this EMF is responsible for creating electric current, this EMF is responsible for flowing electric current in any conductor। आप ये पहले ही जानते हैं कि EMF के बगैर किसी भी करंट को हम फ्लो नहीं कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं। तो बात सिंपल है, एक सेल की अगर बात करेंगे आप, सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी चेंज होती है कन्वर्ट होती है इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो सेल के अंदर जो ईएमएफ ऑलरेडी होता है प्रेजेंट राइट। तो जो ईएमएफ, अब जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, लेकिन ये ईएमएफ खुद किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स पे यानी मैग्नेटिक फील्ड पे। अभी हमने देखा B2 पे स्ट्रांग है और B1 पे वीक है राइट। अब जितनी तेजी से हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को उतना ज्यादा और उतनी तेजी से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उतनी इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगी राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन ए कॉइल और ए कंडक्टर। तो अब नाउ द क्वेश्चन इज, जो मैं पिछली टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, अब ये मुझे बताए जो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इस कॉइल के अंदर पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, देन आफ्टर द करंट विल फ्लो इन दिस वेरी कॉइल एंड द गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। बट माई क्वेश्चन इज हियर कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा सोर्स के अंदर, करंट की डायरेक्शन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? सोर्स के अंदर करंट की डायरेक्शन जो होती है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और सोर्स के बाहर जो करंट की डायरेक्शन होती है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो अब हमें यहां क्या पता चला डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से इफेक्ट पड़ता है किस पे, मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब ईएमएफ
प्रोड्यूस होगा, जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा देन द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन ए कॉइल. सो बाय चेंजिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड वी विल फाइंड ईएमएफ. आप कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें ईएमएफ मिला. जहां जहां आपको ईएमएफ मिलेगा वहां वहां पे हम करंट को फ्लो कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कॉइल के अंदर. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड मेथड इज बाय चेंजिंग द एरिया. सो डियर स्टूडेंट्स, बाय चेंजिंग द एरिया, दिस इज द सेकेंड मेथड थ्रू विच वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो पहले हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स में हम ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, फ्लक्स में चेंज आती है, राइट. अब हम देखेंगे कि जो बाय चेंजिंग एन एरिया तो क्या होगा. डियर स्टूडेंट, मान के चलिए हमारे पास एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे एरिया है और एक स्लाइडर लिया हमने, दिस इज अ स्लाइडर यहां से यहां. तो अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है डियर स्टूडेंट्स वो अंदर की ओर है, दैट इज इनवर्ड्स, राइट. अगर मैं नेगेटिव दिखता तो मीन्स बाहर की ओर है, राइट. अभी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, राइट. तो मान के चलिए ये जो स्लाइडर है और इस पे अभी मैग्नेटिक फील्ड है और हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस पे. वी आर अप्लाइंग ए फोर्स एंड व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई एनी फोर्स देन दैट मीन्स वहां पे क्रिएट होगी वेलोसिटी, राइट. तो जब वेलोसिटी क्रिएट होगी एट एन इंस्टेंट, वी कैन से वेलोसिटी इज मेड. तो एक जो यहां पे डिस्टेंस थी यहां से यहां स्लाइड की अभी एरिया की, वो मान के चलेंगे हम एक्स हैं और अभी जब जो ही हमने फोर्स इस पे अप्लाई किया और वेलोसिटी यहां पे क्रिएट हुई, यहां पे वेलोसिटी बनी, तो उससे क्या हुआ कि इसमें तो एरिया में चेंज आई है फोर्स की थ्रू से. तो यहां पे जो है इसने डिस्टेंस कवर कर ली डीएक्स कितने टाइम में, स्मॉल टाइम इंटरवल्स, दैट इज डीटी इन ए कंडक्टर मूव इज बाय डिस्टेंस डीएक्स. डियर स्टूडेंट्स, ये एरिया जो है ये अभी हम कंडक्टर मूव कर रहे हैं, कहां से मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस एक्स से लेके डीएक्स तक, राइट. तो अब हम इसमें देखेंगे कि फोर्स अप्लाई करने से जो अभी मैग्नेटिक फील्ड है डियर स्टूडेंट्स वो अंदर की ओर है, पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, नेगेटिव होती तो बाहर की ओर था. तो आप यहां देख सकते हैं ये जो राइट हैंड है, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. अब हम देखेंगे यहाँ पे कि करंट जो है करंट किस दिशा में चली जाएगी. ये जो एल है, ये जो लेंथ है डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन होगी. तो मान इसका ये मतलब है जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो इस प्रकार होगी. ओके, अब जो ये फोर्स है वो फोर्स किस ओर लग रहा है, वो इस ओर लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर लग रहा है. आप राइट हैंड से देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ फोर्स. तो ये यहाँ पे जो है दिस इज अ फोर्स, ये लेंथ है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये करंट है, यहां देख सकते हैं जो थंब है इंडिकेट करता है फोर्स एंड दिस फिंगर इंडिकेट्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इंडिकेट्स दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर इस ओर फोर्स लग रहा है, अगर इस ओर फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन जो है करंट की वो किस ओर होगी, ऊपर की ओर, और ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की ओर, राइट. नाउ द चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू अ मोशन, इसमें जो चेंज होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी. स्टूडेंट्स, चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू अ मोशन दैट विल बी बी मैग्नेटिक फील्ड एक्स, दिस इज स्मॉल डिस्टेंस प्लस डी एक्स, ये वाली डिस्टेंस, राइट. जब फोर्सेस पे अप्लाई किया तो कंडक्टर आगे की ओर गया, राइट. एंड दिस एल, एल इज लेंथ ऑफ दिस स्लाइडर, जो मैंने अभी बताया था कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, यहां से करंट जाएगी इस कंडक्टर में, रेक्टेंगुलर कंडक्टर में. एल इज देयर लेंथ माइनस मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्स और ये एल. तो हमें क्या मिल जाएगा यहां पे, बी एक्स एल, मैग्नेटिक फील्ड चेंज एंड देन लेंथ,
we will get this. In time dt. तो थीटा कितना है यहां पे? थीटा जो cos थीटा है दैट इज 90, तो मतलब थीटा कितना होगा? दैट इज इक्वल टू जीरो, जीरो डिग्री. ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज वी कैन टू नो हियर कि दैट इज ई इक्वल टू नेगेटिव फ्लक्स अपॉन डी टी. यहां पे जो फ्लक्स है वो कितना निकला हमें? दैट इज व्हाट? बी एक्सएल अपॉन डी टी, राइट. अब ये मुझे बताइए कि ये जो डिस्टेंस यहां पे फोर्स के थ्रू यहां पे वेलोसिटी मिली हमें और देन डिस्टेंस चेंज हुई है डीएक्स में, तो इसका ये मतलब है डीएक्स थ्री, यहां पे डीएक्स है, सॉरी दिस इज डीएक्स, दैट मीन्स जो यहां पे मिला हमें बी एल डी एक्स, डी एक्स इज अ स्मॉल डिस्टेंस. ये कैसे हुआ डियर स्टूडेंट? जब हमने इस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई किया और इसमें वेलोसिटी क्रिएट हुई, तब जाके उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया एक स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डीएक्स, और यहां पे हमें इक्वेशन आई है बी एल डी एक्स. सो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज जो हमें फॉर्मूला मिली कैलकुलेट करने के लिए ईएमएफ, तो दैट इज डी फाई अपॉन डी टी. तो डी फाई के बदले हम यहां पे लिख सकते हैं बी एल डी एक्स अपॉन डी टी. तो ये मुझे बताइए डियर स्टूडेंट्स, ये जो डीएक्स है एक स्मॉल डिस्टेंस है, ये किसके थ्रू चेंज हुई है? जस्ट वेलोसिटी के थ्रू. तो हम लिख सकते हैं बी एल वी अपॉन डी टी. सो दिस इज द इक्वेशन. सो सिंपली वी कैन से डियर स्टूडेंट्स, हियर द बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर. And then this V is the velocity. Now we can easily write. So dear students, now we can easily write that EMF is being produced. So that we call this motion EMF. We call this motional EMF. Okay. So simply we can say that this EMF is produced by motion. So we call it motional EMF. हमने क्या देखा? पहले क्या किया? हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया यानी मोशन में, राइट. तो अब हमने क्या किया? जब हमने मैग्नेट को मोशन में लेके आए, तो अब हमने क्या किया? हमने एरिया को जो है एक कंडक्टर जो है एक कंडक्टर को मोशन में लेकर आए, एक एरिया पे हमने ट्राई की, ठीक है. वो हमने एक्स से डीएक्स चेंज करवाया किसी एक फोर्स से, उसमें वेलोसिटी क्रिएट हुई, और मान के चलिए ये जो एल है दैट इज लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, और इसमें करंट क्रिएट हुई, राइट. सो वी कॉल एंड ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो वी कॉल व्हेन दिस ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मोशन, सो वी कॉल दिस मोशनल ईएमएफ.